नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं, जानेंगे उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और कैसे कैसे आराम हो रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुसैन है, मैं एमपी में रहता हूँ, साजापुर से हूँ। सर मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, जब मेरी हालत ऐसी थी मैं सर कदम भी चला नहीं जा रहा था, वो मुझे चलने में बहुत सांस फूलती थी। जब से मैं सर के यहाँ जुड़ा हूँ मुझे ट्रीटमेंट में बहुत रिलीफ हुआ है। एलोपैथी में आप अभी कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं? एलोपैथी में मैं पहले तो टेक्लिमस ले रहा था, जो कि आफ्टर ट्रांसप्लांट दी जाती है, वो डिसीज वो टेबलेट वो जो कि अपना इम्यून सिस्टम पूरा ब्रेक डाउन कर देती है, लेकिन वो मैंने सर की दवाई लेने के जस्ट एक महीने बाद ही उस दवाई को पूरा बंद कर दिया। वो 5 महीने तक मैंने पूरा वो दवाई को एलोपैथी दवाई पूरी बंद कर दी, सिर्फ जो मेरे ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा हूँ, बाकी एलोपैथी मैंने पूरा बंद कर दिया। अब सिर्फ मैं डॉक्टर सर की दवाई ले रहा हूँ। फिट महसूस कर रहे हैं ना पहले? हाँ, पहले से बहुत अच्छा मतलब मेरा वेट लॉस भी पहले से 15 kg के आसपास मेरा वेट लॉस हो गया। और पहले से तो काफी ज्यादा समस्याएं पहले आ रही थी आपको, चलने में भी प्रॉब्लम? चलने में भी सर मुझे एलोपैथी के साइड इफेक्ट ने थे कि मेरा चेहरा मेरा बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया था, मुझे लोग देख के कहते थे इतना स्वेलिंग क्या हो रहा है, मतलब अब तो बिल्कुल परफेक्ट में फिट लगता है बिल्कुल। मतलब शुरू में जब मैं बीमार था मेरे को 64 mg स्टेरॉइड एक दिन में दिया गया, उसके बाद प्रोटीन जाना अलग ही कम हुआ, स्टेरॉइड धीरे धीरे कम करी, उसके बाद स्टेरॉइड कम भी हुई, उसके बाद भी प्रोटीन जाना बंद हुआ, लेकिन अब मैंने स्टेरॉइड बिल्कुल ना के बराबर कर दी, उसके बाद भी मेरा प्रोटीन लेवल बहुत कम हो गया। स्टेरॉइड आप नहीं ले रहे? हाँ बिल्कुल ना के लगभग। पहले आप स्टेरॉइड भी ले रहे थे, टेक्रोडमस ले रहे थे और 10 तरह की और सब ले रहे थे, मैंने टेक्रोडमस तो पूरा ही बंद कर दिया। और उसके अलावा चलने में भी काफी प्रॉब्लम है? चलने में तो मुझे बहुत आराम हुआ, मतलब जैसे कहते हैं पहले मतलब स्टिक से एक एक कदम, मतलब मैं स्टेज से दिल्ली में आने में सर के आने में बहुत घबराहट हो रही थी, और इस बार तो मैं बिल्कुल फटाक से टिकट कराए सीधा आ गया यहाँ पे। मुझे पहले ऐसा लगता था कैसे जाऊंगा सर के यहाँ मिलने में, घर से दुकान में 10 कदम है, लेकिन मेरे को लगता था कि मैं दुकान कैसे जा पाऊंगा यार, इतनी हालत में। घर में भी वॉकर लेनी पड़ती थी वॉशरूम तक जाने के लिए, मैं वॉकर से रहता, अब तो मेरे को मतलब आराम से चला जाता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं। घर के रूम से वॉशरूम तक जाने में वॉकर की जरूरत पड़ रही थी, और आज शाहजहांपुर से एमपी से इंदौर एमपी शाहजहांपुर, एक शाहजहांपुर यूपी में भी है, ये शाहजहांपुर एमपी से आए हैं और शाहजहांपुर से यहाँ तक आए हैं विदाउट स्टिकर, विदाउट स्टिक और विदाउट सपोर्ट्स। प्रोटीन जा रहा था 3+, अब प्रोटीन 1+ हो चुका है, साथ में जो क्रिएटिनिन था 2.7 हो चुका था, अब 1 की रेंज में आ चुका है। फिजिकली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, स्टीरॉयड बंद हो चुके हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स बंद हो चुकी हैं और बिल्कुल फिट हैं। बिल्कुल मैं अपने आप में मुझे लगता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, मुझे लगता ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि दवाई लेने की जरूरत है। मैंने जैसे एक महीने सर की दवाई ली उसके ऑटोमेटिक मुझे लगने लगा कि इंग्लिश दवाई मैं खत्म कर दूँ, मैंने मतलब लेनी बंद कर दी उसको, वो मुझे कुछ नहीं हुआ, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा था वो ऑटोमेटिक। दुकान पर मैं जो पहले 4 घंटे बैठता था, अब सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जैसा वर्क करता हूँ, पूरा काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पहले जो रूटीन था वो रूटीन दोबारा आ गया वापस, सुबह से शाम तक अपना काम करना, अरे पूरा परफेक्ट फिट हो गया, भगवान के रूप में मानता हूँ आपका इतना एहसान, धन्यवाद सर आज आपने मुझे स्लैक कर दिया, वापस खड़ा कर दिया, मैं तो हिम्मत ही हार चुका था, इंग्लिश दवाई ले लेके थक चुका था, इस डॉक्टर के पास जाता है सब मना कर चुके थे कि इसका कोई इलाज ही नहीं, बस यही चलेगा। हॉस्पिटल वहाँ पे भी होके आ गया, वहाँ पे सब बताते, अगर इस दुनिया में कहीं पे भी जाओ तो इसका कोई इलाज नहीं,
ये चलेगी आपको। मैं संदीप सक्सेना के अंदर हो गया था, आपको यही इलाज चल रहा है, वो दे रहा है संदीप सक्सेना, हम भी यही इलाज देंगे, स्टोइड वो टेकलमस या पेंसोलिन एकोरकोवोची, यही आपको लेना है, यही इलाज है इसका। मैं तो वो उसके वो तो ठीक है मिल रहा था, लेकिन मुझे साइड इफेक्ट से बहुत डर लग गया। आज मैं दवाई ले रहा हूँ, टेंशन फ्री ले रहा हूँ, साइड इफेक्ट तो नहीं है ना मुझे कुछ, फायदा भी है, फिट है, फिट है, आप भी देख रहे होंगे सर, फिट है, वही बस वही अच्छा लग रहा है कि फिट है तो अपने वो नहीं हो रहा कि चलो अब लग रही है दवा जिसे अरे ऐसा लगता है प्रोटीन लॉस हो रहा है, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि अपन अनफिट है, मतलब थकान, प्रोटीन लॉस भी आपका 10% रह गया, 90% इम्प्रूव हो चुका है, जैसा थकान नहीं लगती है बिल्कुल, कुछ नहीं होती। मतलब अभी जैसे मैं बैठा हूँ बातचीत कर रहा हूँ, इतना बोलने के बाद सांस मिल जाती थी अभी कुछ, बहुत अच्छी बात है। तो सर घर परिवार में सब इनको देख के सबसे बड़ी बात है सर कि जो हमारे धर्म गुरु हम सहिदना साहब को मानते हैं, सहिदना साहब वो हमारे सिटी में आए थे, तो उनके उनका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मतलब उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने मेरे पेट पे हाथ फेरा, और मैं उस टाइम एलोपैथी ले रहा था, मतलब मेरे को रास्ता नहीं सूझ पा रहा था, रास्ता मेरे एलोपैथी में कोई मेरे को सब दूर अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, तो उन्होंने जो रास्ता बताया सर का रास्ता बताया मुझे, मुझे वो सर मिल गया जिसने वो मेरे धर्म गुरु ने आपके पास मुझे पहुंचा दिया, और मैं ठीक हूँ, जो सीढ़ी नहीं मिल रही थी, जो मुझे सीढ़ी नहीं मिल रही थी ओर जाओ, उस ओर मेरे धर्म गुरु ने मुझे सर के पास, उसके बाद ही बस हमने उनको बस बताया था, उसके बाद ही हमें खबर पड़ी कि यहाँ पे है ना, पर रास्ता जिसे बोलते हैं ना ऑटोमेटिक मुझे यहाँ मिल गया, तो मैं यहाँ गया, जब से मैं सर के यहाँ जुड़ा हूँ मुझे ट्रीटमेंट में बहुत रिलीफ हुआ है, और मतलब जिसे मेरा पहले मैं शुरू में आया था मेरा किडनी लेवल 2.6 था, और उसके बाद जो उसके बाद अभी वापस कराया 1.9 हुआ, और इस बार आया हूँ तो 1.74 हो गया, और उसके बाद मेरा प्रोटीन जब आया था आज से 5 महीने पहले प्रोटीन 3+ जा रहा था, फिर अभी आप ट्रेस हुआ, उसके बाद फिर अभी हल्का सा वापस 1+ के आस पास आया है, मतलब फ्लक्चुएशन ठीक है, मतलब और मेरे एनर्जी वापस ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ मेरे को बीमारी ना हो, खाली ऐसा लगता है सिर्फ प्रोटीन जा रहा है, बाकी मैं और मुझे देख के फिजिकली मतलब फिट लगता हूँ मेरे को, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैं बीमार आ रही हूँ, मतलब कोई मुझे देख के भी कहता है, मैं कहता हूँ मैं तबीयत खराब, मैं किडनी प्रॉब्लम है, अरे यार तुम तो 100% फिट हो, मैं लगता ही नहीं, मतलब फिजिकली मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और ये तो सर मेरा वो है नसीब के, मतलब मैं इतनी परेशान था, मतलब सालों मतलब 4 साल से मैं इधर सब जगह भटक लिया, कहीं मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला, पर सर का डॉक्टर पुनीत धवन जी का सर का बहुत बड़ा एहसान है सर, आज उनकी टेबलेट से मुझे रिलीफ मिला है बहुत। चलिए ये है इस्माइल खान हुसैन, और पहले से इनको काफी अच्छा रिजल्ट आया है, और बिल्कुल अभी टोटली फिट है, और साथ साथ इनको डायलिसिस की जरूरत भी नहीं है, और इनको ट्रांसप्लांट की जरूरत भी नहीं है, स्टेरॉइड्स की भी जरूरत नहीं है, प्रोटीन भी इनका 10% रह गया, 90% इम्प्रूव हो गया है, क्रेटिनाइन भी इनका इम्प्रूव हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स हैं इनकी। पहले इनका जो क्रेट लेवल था वो काफी बड़ा हुआ था, और ये देख सकते हैं प्रोटीन इस रिपोर्ट में 3+ के आसपास था, ये जब ये आए थे यहाँ पे 3+ प्रोटीन वॉश आउट हो रहा था। 2.6 वाली रिपोर्ट लाए आप क्रेटिनाइन जिसमें 2.6 है, इसमें नहीं, ये दूसरी है, 3+ इसमें प्रोटीन जा रहा है इनका। इसके बाद इनका जो क्रेट लेवल था वो 2.6 के बाद 1.9 आया ये इस रिपोर्ट में, और अब ये जो आया है क्रेटिनिन लेवल 1.74 हो गया है, और साथ साथ जो प्रोटीन है इनका वो भी रिड्यूस हुआ है, और वो भी 1+ की रेंज में आ चुका है 3+, और साथ साथ इनके सारे स्टेरॉइड और एलोपैथिक मेडिकेशन भी टोटली बंद हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा इनको रिजल्ट आया है, कह सकते हैं किडनी का इलाज जो है वो संभव है, कर्मा आयुर्वेदा ये सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज जो है वो किया जा सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स को? मैं सर किडनी पेशेंट को ये संदेश देना चाहूंगा, भले ही उनको कहीं का भी इलाज की जो कराना हो रहा, एक बार कर्मा आयुर्वेदिक पे आके विजिट कर ले, सर से मिल ले, सर से जानकारी ले ले, उसके बाद जो उनको डिसीजन है वो करे, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक बार आके जरूर यहाँ पे आके संपर्क करें। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 0987
7171205001 4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।